हाय यूट्यूब फैमिली, हैप्पी नवरात्रि। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और इधर मेरी हो रही है पूजा की तैयारी। यहाँ मैं करूँगी हवन, तो मैंने रंगोली बनाई, फिर उसके ऊपर जिसमें मैं करूँगी हवन उस पर मैं चंदन टीका सब कुछ लगा दूँगी, क्योंकि मैं जैसे करती हूँ हवन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप सभी को मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो सारी तैयारी कर लेंगे, सुबह से ब्लॉग नहीं दिखा पाई मैं फ्रेंड्स, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी मैं 5:30 बजे से जगी हूँ। सारा काम वगैरह करके मंदिर भी गई, अब मेरा लास्ट काम है यही घर में हवन करना। तो अभी तो बज गए हैं 9:30, तो सुबह से हो नहीं पाया, मैं ब्लॉग नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा चलो हवन के वक़्त अपने फ्रेंड्स लोग को दिखा दूँगी। तो मेरी सारी तैयारी हो रही है, तो इधर मैं दीपक जलाकर साक्षी, क्योंकि दीपक जलाना बहुत ज़रूरी है हवन कुंड के सामने, दीपक साक्षी होता है। तो मैंने उसमें कपूर थोड़ा सा डाला था, उससे जला दिया, क्योंकि उससे लकड़ी अच्छी पकड़ लेती है। तो फल वगैरह फूल पत्ता हर एक चीज़ करके अभी मैं हवन देके हवन मिलाने जा रही हूँ। आप लोग कमेंट कीजिए कौन कौन नवरात्रि में हवन खुद से किए हैं, कौन पंडित से करवाए हैं, और सबकी प्रेगनेंसी कैसे चल रही है। सिस्टर लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट से बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ने में, जो जो बहनें कमेंट करती हैं। तो हवन वन कर लूँगी जल्दी से, क्योंकि देख सकते हो धुआं बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है, कमरा है कमरे में, क्योंकि मैं हवन भी नहीं ढंग से कर पाई, इतना तेज से मेरे आँख में लग रहा था। तो मेरा पूजा तो अब समाप्त हो गया। माता रानी से उम्मीद है मेरे सभी यूट्यूब फैमिली की मनोकामनाएं पूरी करें। तो मेरा इधर पूजा हो गया, चाय हो गया, इधर मैं मूँगफली भी भूज ली, और इधर देखे लेके आ भी गई। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए फ्रेंड्स लोग, तो व्रत भी है तो मुझे यही चाय मूँगफली खाएंगे। कल मेरा पारण है, बहुत लोग आज करेंगे लेकिन हम पारण कल करेंगे। साड़ी नहीं पहनती हूँ, साड़ी बहुत टाइट पड़ जाता है पेट पे। गुड्डी आ गई है कि मुझे गोद में लो। अब बताओ हाल, जितनी बड़ी होती जा रही है उतना छोटी बनती है। तो चाय वगैरह हो गया, खाना भी हो गया मेरा। तो खाना में दाली चावल बनाई हूँ, क्योंकि इसके पापा ही हैं केवल खाने के लिए, बाकी गुड्डी भी है, बाकी मेरा तो व्रत है। तो दाली चावल बनाई हूँ, बनाने के बाद सोचा चलो दूध पी लेती हूँ और केला वाला खा लेती हूँ। तो सुबह जो कपड़ा मैंने धुला था वह सूख गया, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कपड़ा मैंने सोचा चलो समेट के रखते रखते आपसे बातें कर लेती हूँ। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा